निकल गया तो इसका सिर एंड में दो उंगली बड़े वाले का सही तो बहुत है बस तू आपने मेरी स्टोरी देखी है काऊ से कीमा तक। अब ये कीमा के अंदर वही मसाला जहाँ डालेंगे हम जो हमने चिपली कबाब में डाले थे पिछली वीडियो में। तो अगर आपने मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स हमने मुख्तलिफ मसाला जहाँ डाले मिक्स किया और इनको अच्छी तरह से मिक्स किया। तो फ्रेंड्स अब ये जो हमारा कीमा है ये आप कबाब बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये जी नाज़रीन आग लगा दी गई है। ओ माय गॉड ये देखिए कैसे आग निकल रही है। तो फ्रेंड्स कीमा अब सलाखों पर लग चुका है, अब हम इसको अंगीठी के ऊपर रखेंगे ताकि ये हमारा रियल मज़ेदार टेस्टी यम्मी कबाब बन जाए। ये जी अंगीठी पर लगे हुए हैं कबाब, लुक्स यम्मी। ये जो ब्राउन ब्राउन हो गए हैं ये तो मुझे देखने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अब हम इनको टेस्ट करेंगे फिर इसको ईट करेंगे। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है या इसको लाइक करें और इस पर कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। अल्लाह हाफिज़।